पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इस अमल में मालिक्यूल्स अपने ज़्यादा इर्तिकास कंसंट्रेशन से कम इर्तिकास की जानिब हरकत करते हैं। इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ये अमल दो तरीक़ों से होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स इर्तिकास की कशिश के मुखालिफ सम्त में हरकत करते हैं, यानी वो कम इर्तिकास की जानिब से ज़्यादा इर्तिकास की जानिब हरकत करते हैं, और इस अमल के दौरान डिफ्यूजन की ताकत ख़त्म करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, बल्कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो अकसाम है, एक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।